आज एक बार फिर मैं पैसा को डबल करने वाला शेयर लेके आया हूँ, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर लेके आया हूँ। मैं हूँ राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में। दोस्तों, आज मैं एक IPO का रिव्यू भी बताऊंगा और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए पहले मैं एक आने वाला IPO के बारे में बताता हूँ। अब मैं फिर बताता हूँ कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो कि आपको 3 महीने में पैसे डबल कर सकता है। तो एक आपने आपके घर में भी शायद या आपने कई लोगों के पास देखा होगा कि बोट का हेडफोन है या बोट का ईयरबड है। तो बोट अभी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है हैंडसेट में, तो इसी तरह का मैं पहले इसका बोट के बारे में बताता हूँ कि बोट का एक IPO आने वाला है। अभी सेबी में इसने का ड्राफ्ट फाइल किया गया है और बहुत जल्दी इसका IPO आने वाला है, और इस IPO से कौन सा शेयर है जिस पे इम्पैक्ट आएगा जो कि पैसे डबल करेगा वही मैं बताऊंगा। तो पहले बोट IPO के बारे में समझते हैं, बोट प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं कि क्या है। तो जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि बोट वायरलेस ट्रू वायरलेस हेडसेट बनाता है और इसमें बहुत सारे वियरेबल भी बनाता है। तो इसका जो आप देखेंगे कि आजकल जो यूथ में बहुत ही पॉपुलर है बोट एंड फायरबोल्ट, इसका जो ब्रांड है बहुत ही पॉपुलर है और इसका IPO जो आने वाला है ये 2000 करोड़ का IPO आने वाला है। तो जो बोट का IPO आने वाला है उसको आप समझिए कि उसका जो वैल्यूएशन वो कर रहे हैं वो 11,000 से 15,000 करोड़ का, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, उसका एस्टिमेट है कि इस साल वो 3000 करोड़ का सेल्स करेंगे। तो अगर 15 करोड़ के वैल्यूएशन पर देखें तो मतलब उनका सेल्स 5 गुना बढ़ने वाला है। और ये बोट एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है, पेटीएम की तरह नहीं है। आपने देखा होगा कि पेटीएम का भी जो IPO आया था बहुत ही हाइयर प्राइस पे आया था, हालांकि उतना उसका वैल्यूएशन नहीं था इसलिए उस पर बहुत ही उसका निगेटिव इम्पैक्ट आया और बहुत ही नीचे आ गया पेटीएम का जो शेयर प्राइस है, IPO के प्राइस से बहुत ही नीचे आ गया, उतना वैल्यूएशन नहीं था। लेकिन बोट के बारे में ऐसा नहीं है, बोट एक बहुत ही पॉपुलर है यूथ के बारे में। यूथ को आप देखेंगे तो सबके पास लगभग बोट का ईयरबड है, हेडफोन है, स्पीकर्स है, बहुत सारी चीज़ हैं, तो ये बहुत ही पॉपुलर है। हालांकि देखिए तो कुछ लोगों का ओपिनियन में है कि बोट का IPO शायद उतना अच्छा नहीं होगा, शायद आपको मना भी करें, लेकिन मेरा जो एस्टिमेट है कि जितना पॉपुलर है, खासकर आपने देखा होगा शार्क टैंक पे जब इनका फाउंडर आए थे तो उससे भी ये बोट बहुत ही पॉपुलर हुआ है। तो इस तरह से देखा तो मुझे तो लगता है कि इसका सेल्स बहुत अच्छा होगा। तो आपको इसी कैटेगरी में पहले मैं बता दूं कि जो IPO आता है ना, तो जिस इंडस्ट्रीज का IPO आता है, जिस सेगमेंट का IPO आता है, उसी सेगमेंट के जो अदर कंपनी है लोग उसका वैल्यूएशन करना स्टार्ट करते हैं, और उसी सेक्टर का जो दूसरे कंपनी है उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई अच्छी कंपनी है क्या। अगर अच्छी कंपनी है तो उसका परचेज लोग करना स्टार्ट करते हैं, उसके शेयर में एक बाउंस बैक आता है। तो इसी तरह से जब बोट का IPO आएगा तो इसी सेगमेंट का, इसी इंडस्ट्रीज में जो दूसरे प्लेयर हैं, जो लिस्टेड प्लेयर हैं, उसका वैल्यूएशन लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे हिसाब से जो एकमात्र लिस्टेड कंपनी है वो है पालजेट टेक। हालांकि मैं पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, जो पालजेट टेक है जिसका कि बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, इसका ईयरबड है, हेडफोन है, चार्जिंग केबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ब्रांड है पीट्रॉन। तो जो पालजेट टेक्नोलॉजी का जो ब्रांड है पीट्रॉन, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी 230 करोड़ का है, और अगर बोट का वैल्यूएशन देखिए तो 11,000 से 15,000 करोड़ का। तो इससे बहुत छोटी कंपनी है लेकिन इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसका वैल्यूएशन भी है, अभी उतना जो वैल्यूएशन वो अभी चीप वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो जैसे ही इसका IPO आएगा, जब आपको याद होगा कि जब इसका IPO फाइल किया गया था सेबी में, तो उस समय इसके शेयर में भी एक बहुत ही बड़ा बाउंस आया था, तब लोगों के नज़र आया था पालजेट टेक पे। लेकिन अभी IPO को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक टाइम लगेगा तब तक कई लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। इसका जो ऑल टाइम हाई है जो पालजेट टेक का पीट्रॉन का जो ब्रांड है, इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस है उससे भी 30% नीचे पे मिल रही है। तो अभी इसका प्राइसिंग जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब IPO आएगा, बोट का IPO आएगा, तब लोगों की नज़र पालजेट टेक पे आएगी और फिर उसमें एक अच्छी खरीदारी आएगी, क्योंकि तब लोगों को पता चलेगा कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और इसे खरीदना चाहिए। तो मैं आपको पालजेट टेक के बारे में थोड़ा और बता दूं कि इसका जो पीट्रॉन ब्रांड है, इस क्वार्टर में देखे जो फाइनेंशियल ईयर 21 का क्वार्टर है, में अब तक 7
मिलियन 7 मिलियन यूनिट सेल कर चुके हैं, सब मिलाकर ईयरबड हेडफोन सब मिलाकर 7 मिलियन यूनिट्स बेस सेल कर चुके हैं, जो कि अगर पिछले क्वार्टर्स देखें तो 50% ज़्यादा है। तो इसका जो ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है, और अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर 22 है इसमें भी मैं समझता हूँ कि मिनिमम 5 मिलियन यूनिट तो ये बेच ही लेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट है पीट्रॉन ब्रांड से, वो उसमें आता है ब्लूटूथ हैंडसेट आता है, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, वायर्ड है, हैंडसेट है, चार्जर है, केबल है जो कि केबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्मार्ट वॉच है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो पायलट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो इस सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है, जितने भी ट्रूली वायरलेस कंपनीज है, तो उसमें सबसे नंबर वन पे तो अभी बोट चल रहा है। तो बोट का अगर मार्केट शेयर देखें तो 39.3% है, जो कि पिछले साल इसका मार्केट शेयर था 23.9%। मतलब इसका जो ईयर टू ईयर देखें जो यूनिट इन्होंने सेल किया है, तो इसका जो ग्रोथ है वो 187% ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है बोट में। तो जो कुछ लोग कहेंगे कि बोट का IPO इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो आप यहाँ ग्रोथ देख सकते हैं, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग बहुत अच्छा है, और शार्क टैंक से इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब हर कोई जानने लगा है बोट को। मतलब जो यूज करते हैं वो तो जानते ही हैं बोट को, जो यूज नहीं करते हैं वो भी अब जानने लगे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बोट का जब IPO आएगा तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन उसमें IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो तो उसके प्राइसिंग आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना प्राइस पे वो IPO कराते हैं। लेकिन अभी आप इस सेगमेंट में देखिए तो नंबर वन पे बोट है, और नंबर टू पे रियलमी है, नंबर थ्री पे नॉइज है, नंबर फोर पे पीट्रॉन है पालजेट टेक्नोलॉजी, और इसके नीचे है सैमसंग। सो सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड जिसके अंदर JBL भी आता है और भी कई कंपनी है, लेकिन वो भी अभी 5वें नंबर पे, उससे ऊपर है पालजेट टेक का। तो पालजेट टेक का जो कि अभी लिस्टेड कंपनी है, और ये इसका वैल्यूएशन अभी बहुत ही कम है, 230 करोड़ का वैल्यूएशन है जो कि बहुत ही कम है, लेकिन ये वैल्यूएशन लोगों को तब पता चलेगा जब बोट का IPO आएगा। तो और भी बताते हैं कि पायलट टेक क्यों मेरा पसंद है, इसमें क्या बड़ा ट्रिगर है जिसके कारण पायलट मुझे पसंद है। और मुझे तो लगता है कि पायलट टेक जो है अगले 5 साल के लिए भी आप खरीद कर रखते हैं तो इसमें एक मल्टी वेगा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मैं जो अभी बता रहा हूँ वो IPO ट्रिगर के बारे में बता रहा हूँ कि जब बोट का IPO आएगा तो इसके ट्रिगर के कारण पायलट का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो और भी बताता हूँ कि पायलट टेक्नोलॉजी में क्या खास है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, री एंट्री ऑफ मैथ्यू सेरिक। मैथ्यू सेरिक कौन है? मैथ्यू सेरिक पहले भी इसमें इन्वेस्टर रहे हैं, इनके पास शेयर था इस कंपनी का, तो इसे बाहर निकल गए थे, लेकिन फिर से वापस उन्हें 20% स्टेक दिया जा रहा है। तो 20% स्टेक उनको 120 पे वो खरीद रहे हैं, और मैथ्यू सेरिक आने के बाद उनके मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस आएगा। अभी भी मैंने कई चेंजेस देख रहा हूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर्स को हटाए गए हैं, बहुत सारे लोगों को चेंज किया जा रहे हैं। तो मैथ्यू सेरिक के आने के बाद बहुत से मैनेजमेंट में चेंजेज आ रहा है, और तो इससे भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्यू सेरिक है कौन। मैथ्यू सेरिक हैं जो कि फॉर्मर ब्लैकस्टोन इंडिया के को हेड हैं, और उनका जो अर्ली इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट है वो AMTAR में था। आपने देखा होगा कि AMTAR का रिसेंटली लास्ट ईयर इसका जो IPO आया था लगभग 400 के आसपास आया था, और इन्होंने ये IPO लाया था और उसका प्राइस अभी 4 गुना बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 1600 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो मैथ्यू सेरिक के आने के बाद AMTAR में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया, उन्होंने IPO लाया, बहुत ही प्राइस बढ़ा है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आया है। वही मैथ्यू सेरिक जो है अभी गूगलडास एक्सपोर्ट में भी है, गूगलडास एक्सपोर्ट में भी उन्होंने बाय किया है, मोबीक्विक में भी उन्होंने का स्टैक है, और बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि जो दूसरे कंपनी जिसमें स्टैक है जैसे जैक मेकर, बैनबुरी लिमिटेड, इन सब का भी IPO लेके आ सकते हैं। इसमें और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं, आशीष धवन है जिनके पास पायलट का 7% इक्विटी है, पायलट ग्रुप का जो चौहान फैमिली है उनके पास इसका 1.5% स्टेक है। फिर आप देखें तो जो FII है, FII का भी इनका इन्वेस्टमेंट है 7% का। तो ये सिर्फ कुछ बिग नेम है जिनका इसमें होल्डिंग है। अब इसका अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो क्या होगा, 3 से 5 साल अगर इस स्टॉक को लेकर रखते हैं, अभी तो जो मैं इस स्टॉक को बता रहा हूँ वो IPO ट्रिगर के कारण इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसे खरीद के 3 से 5 साल रखते हैं तो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्यू सेरिक हैं जो कि इसके मैनेजमेंट में बहुत काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं,
इनका रिकॉर्ड रहा कि जिस कंपनी में जाते हैं उसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आता है। तो उसी तरह से देखा जाए तो अगर ये इसमें आते हैं तो इस जो मैनेजमेंट चेंज करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा चेंजेज आ सकता है, इसमें बूस्ट हो सकता है। और ये अभी आपको इमिडिएटली नहीं दिखेगा, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि बोर्ड की इतना बड़ा वैल्यूएशन तो नहीं मिलेगा 11,000 से 15,000 करोड़ का, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन बहुत ही बूस्ट होगा। और बोर्ड का आईपीओ जब आएगा नियर टर्म में, तो जब टर्म आईपीओ आएगा उस समय तो इसमें इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा। लेकिन आईपीओ का प्राइस क्या होगा वो इस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए क्या गलत हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आईपीओ जब आएगा, बोर्ड का आईपीओ आएगा तो उसके ट्रिगर के कारण पायलट टेक्नोलॉजी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड का आईपीओ आने में डिले हुआ, अगर लेट आती है तो आपको काफ़ी दिन तक वेट करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो अभी इसका देखा जाए तो पायलट टेक्नोलॉजी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो बिल्कुल फ्लैट था, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अभी मैनेजमेंट चेंजेज हो रही है इसका इम्पैक्ट अगले कुछ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो अगले कुछ क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा कि कितना चेंजेज होता है। तो ये अगर कुछ अगले कुछ क्वार्टर का भी रिजल्ट अगर फ्लैट होता है या निगेटिव होता है तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और तीसरा ये है कि बोट आईपीओ का जो रिस्पॉन्स आएगा, तो कई लोगों का मानना है कि बोट आईपीओ शायद उतना अच्छा आईपीओ नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ग्रोथ जैसा मैंने पहले बताया तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन डिपेंड करता है इसके प्राइसिंग पे, जो आईपीओ का प्राइसिंग आएगा तो कैसा होगा। तो अगर प्राइसिंग हाई हुआ और इसका पुअर रिस्पॉन्स आते हैं, बोट आईपीओ के आईपीओ में अगर पुअर रिस्पॉन्स आते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पायलट टेक पर भी आएगा। तो या फिर हो सकता है कि इसी सेगमेंट में जो आप देख रहे हैं कि हैंडसेट है या चार्जिंग केबल है, तो बोट है, पीट्रॉन है, अगर कोई चाइनीज ब्रांड आ जाती है बहुत सस्ते में आ जाती है तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इस शेयर के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि जैसे ही बोट का आईपीओ आएगा तो एक ये बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आएगा और इसका प्राइस आराम से 500 रुपीज क्रॉस कर सकता है, मतलब 2 से 3 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है, डबल ट्रिपल हो सकता है इसका प्राइस। तो मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूँ कि इसका स्टॉक मेरे पास भी है, मैंने भी इस आईपीओ के अनाउंसमेंट के पहले से इसे खरीद रखा है और आईपीओ तक तो वेट करूँगा और उसके आगे भी वेट करूँगा, लॉन्ग टर्म पे के लिए भी रख सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और सबको शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।